सर, जो सारा घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बजट पारित कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर CRPF पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद प्रोखुद की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक भी हैं, और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया, मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। सर, पैरामिलिट्री के अंदर आई थी सर, पैरामिलिट्री के अंदर सदन के अंदर आप देखिए, सदन के अंदर पैरामिलिट्री आ रही है, CRPF आ रही है। किस प्रकार का लोकतंत्र है कि हमारी सदन है, हमारा सभागार है, और इस प्रकार की ये प्रक्रिया अपना कर किस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? खरीदने की कोशिश हो रही थी रातों रात, कितने करोड़ रुपए के प्रलोभन दी गई। मैं उन्हीं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो इन जिन्होंने एकजुटता का परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक इस्तीफा? नहीं, ऑब्जर्वर जो आए थे वो हमारे जो ये संकट था, जिस संकट के लिए उन्होंने उनको बुलाया था कि इस संकट से निपटने के लिए वो सभी विधायकों से बात करें, इस सिलसिले में ऑब्जर्वर आए थे। और कई मैंने रूमर देखी कि वो चल रहा है कि इस्तीफा दे दिया, जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का फैसला जयराम ठाकुर जी करेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर संपर्क है इन 6 विधायकों के साथ, उसमें से एक विधायक ने कहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा धोखा दिया है और मेरे दिल में बहुत बड़ा भार है और मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा और मुझसे गलती हुई, और इस तरह से उन्होंने मेरे से बात की। लेकिन अब उनका जो केस है वो डिसक्वालिफिकेशंस का, वो अभी हियरिंग 4 बजे शुरू होनी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत सर, इस्तीफा दिया गया है मंत्री की तरफ से, सदन में उन्हें निष्कासित किया गया है, कुछ विधायकों को बात करने का समय आपने देखिए सदन में जो आपके पास वीडियो फुटेज है, स्पीकर के मार्शल से लड़ाई करना, स्पीकर से लड़ाई करना, हमने कितना शांति का परिचय दिया। हमने हाउस को थोड़ा और लेट किया कि इन सबको उठाओ, स्पीकर के ऑर्डर को मानना पड़ता है। कैसे वो बदतमीजी कर रहे थे, कैसे वो सदन के अंदर नाच रहे थे, तो इस प्रकार की गुंडागर्दी तो नहीं होनी चाहिए ना सदन में। तो हिमाचल तो इस प्रकार की गुंडागर्दी पहले देखी नहीं, हिमाचल तो देवी देवताओं का प्रदेश है, लोकतंत्र की मजबूती का प्रदेश है, और पर जो इस प्रकार इस प्रदेश की जनता को भी शर्मसार किया है, मेरा मानना है कि आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। सर, एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है।